अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सुहेब अंसारी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सारे भाई खैर खरीदे से होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्राइडे है जी आज, तो अभी खाना खा के हटे हैं। अब हम लोग छत पे जा रहे हैं पतंगबाजी के लिए। मैंने सोचा कि आज भाइयों के साथ अपनी कलेक्शन शेयर करते हैं जी, कौन कौन से पीसेज हमारे पास अभी पड़े हैं जिनके रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, इस संडे 6 बजे हमारी रिव्यू वीडियो आएगी। तो जिस पीस का ज्यादा कमेंट होगा उसकी हम लोग रिव्यू करेंगे। आज हम लोग उड़ाएंगे जी रोल्स रॉयस के साथ। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने रिव्यू किया था रोल्स रॉयस का, तो आज उसके साथ हम लोग फ्लाई करके दिखाएंगे पीसेस। अब आप लोगों में दिखाने वाला हूँ। ये जी पीसेस चेक करें, ये सारे टैग वगैरह इनके पड़े हुए हैं। ये पीसेस हैं, इनमें से ये काफ़ी मैंने रिव्यू किए हैं। ये अभी शिकारी का पड़ा हुआ है, ये आप लोग पीस चेक कर सकते हैं, यूबी का है शिकारी। उसके अलावा अपने पास एक किंग गोल्ड का पड़ा हुआ है, ये पीस बहुत प्यारा है, यूबी वालों का ये भी। उसके अलावा एक अपने पास मिनी पांडा पड़ा हुआ है, पांडा वॉरियर, ये देखिए बड़ा प्यारा पीस है ये भी। उसके अलावा हमारे पास मैग्नम पड़ा हुआ है, मैग्नम देख सकते हैं आप लोग, TMA का पीस है ये भी। काफ़ी इसका भी आवाम कह रही थी तो मैंने ये भी परचेज किया था। ये रोल्स रॉयस रखी हुई है मैंने। बाकी ये देखें जी, ये आप लोग याद होगा पहली वीडियो मेरी ये ब्लड फाइटर के साथ थी, ये भी अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बहुत तेज़ केमिकल है, तो जब आप लोग कमेंट करेंगे इसके साथ उड़ाएंगे। ये लाश है केमिकल, इसके साथ लाश ही हर बंदे की। तो अब ये लेके छत पे चलते हैं रोल्स रॉयस, और आपको दिखाते हैं जी क्या सीन है छत का। छत पे पहुंच चुके हैं जी रोल्स रॉयस लेके, पीस आप लोगों ने रिव्यू में देखा होगा। बाकी आपको बता दूं जी 027 है ये केमिकल, और ग्रे कलर का पीस है। काफ़ी चरखरी का भाई कह रहे थे आप रिव्यू दें, तो ये पीस लेके आ गए हम लोग, आज इसके साथ उड़ाते हैं। बाकी आज हम लोग पतंग लेके आए हैं, पता नहीं क्या सीन है, वाम आजकल चढ़ाती नहीं है गुड्डे। जब भी मैं छत पे बड़ा गुड्डा लेके आता हूँ गुड्डे कोई नहीं चढ़ता। आज भी जुम्मे है, गुड्डे बहुत कम चढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो उड़ाते हैं, देखते हैं फिर कोई उड़ाता है उसके साथ ज़रा उसको करते हैं। और बाकी ये आडे गुड्डे हैं हमारे पास, इंशाल्लाह न्यू स्टॉक भी आ रहा है तो उसकी भी वीडियोस आएंगी। फुल हैवी गुड्डे हैं इंशाल्लाह, इस दफ़ा मंगवाएंगे और मज़ा आएगा आप लोगों को व्लॉग देख के। संडे का व्लॉग भाई रिव्यू नया आ रहा है तो ज़रूर उसको वॉच आउट करिएगा। पहला गुड्डा उड़ा दिया, चेक करें जी यही है गुड्डा फिलहाल। तो मैंने उस दिन जो कहा था ना कि ये ना ओवन करीब के हमारे साथ कोई पेचा ही ना करें, और मुझे तो लग रहा है अब उड़ाते ही कोई नहीं है। पता नहीं क्या सीन है, हालांकि बसंत पास है, पता नहीं मरासी है, ठंड आ गई है, 2 दिन हो गए अच्छी वाली ठंड पड़ रही है। बाकी यार मुझे लगता है किसी के साथ गेम ही करनी पड़नी है। कुछ भाई कमेंट सेक्शन में कह रहे थे गेम किया करें, गेम होती है नहीं तो आप लोग सुबह टाइम या शाम टाइम, किसी के पास टाइम नहीं होता, हम भी स्टडी करते हैं तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए गेम के लिए, फिर ही होता है सीन सारा। बाकी गुड्डा उड़ा दिया एक, इसके साथ अब करते हैं रोल्स रॉयस का आज रिव्यू है आपको बताता चलो। तो केमिकल अभी तक बहुत अच्छी निकल रही है नीचे से, आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हैं बसंत के लिए, क्योंकि बसंत पे जो है वो ऐसी केमिकल अच्छी रह जाती हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग ये परचेज कर सकते हैं। बाकी जौन जौन सी मैं केमिकल आप लोगों को कहता हूँ उस वो परचेज आप लोग जौन सी मर्ज़ी भी कर लेना, तो इंशाल्लाह उससे आप लोगों को मज़ा आएगा। चाहे आप लोग जहाँ से करें पीस ओरिजिनल होगा तो वो मज़ा कराएगा, अगर 2 नंबर पीस होगा तो भाई फिर वो मज़ा नहीं कराएगा। फिर ये कहते हो यार जो भाई ने रिकमेंड किया था लेकिन मज़ा नहीं आया, तो मज़ा आया इसी तभी आता है जब भाइयों पीस ओरिजिनल हो। बाकी हमारे साथ भी ऐसी 2 नंबरी बहुत बहुत दफ़ा हुई है, क्योंकि इधर अच्छी से अच्छी चीज़ और बुरी से बुरी चीज़ जो चाहिए आपको मिल जाएगा, पर से पठान कारोबार कर रहे हैं इस चीज़ का।
गाइडेंस सही करनी चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि पता चल सके। अब जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ उससे वो पाव आधा किलो ज़्यादा बताते हैं कि इतनी केमिकल। लोग पूछते हैं जी कि बिल्टी का क्या सीन है, पार्सल अगर हम लोगों ने मंगवाना है तो उसका क्या सीन होता है। मैंने तो अभी इतने ज़्यादा जो हैं उनसे नहीं मंगवाया, 2-3 बंदे ही हैं जिनसे मैं परचेज करता हूँ। बाकी रابطہ करेंगे, फिर आप लोगों को सारी उसकी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मैं सारी करूँगा। तो बाकी आप लोग ऐवें किसी बंदे से ना परचेज़ करें, थोड़े बहुत पैसों के पीछे जो यार ये सस्ते दे रहा है, ये सारा स्कैम होता है ज़्यादातर। स्कैम भी होता है और दो नंबरी भी है, अपनी मशीनें लगाई हुई हैं वो बस। ये भाई ये आडा गुडा, इसके अंदर 10 वैरायटी हैं। आप लोग बहस करते हो एक बंदे के साथ, वो आगे से आपको उतने की चीज़ दे देता है और आप कहते हो यार इसने मेरे साथ रियायत की है। भाई जिसका जी चलता है वो छोड़ता नहीं है अगले को, कहता है बस ठीक है देखी जाएगी साना जी दवाई की बारी सुन के चलिए। आगे से भी बुढ़ा ही उड़ गया। पहले मैं पिक्कल उड़ाने वाला था इसीलिए नहीं मैंने उड़ाई हवा, जरा वहाँ आ गया गुड्डा कोई होगा तो तुक्कल उड़ानी। काफ़ी मैंने आज आप लोगों के साथ बात कर ली है क्योंकि गुड्डा मेरे से उड़ नहीं रहा इतना जल्दी, अब आ नहीं है, जोर लग रहा है काफ़ी। हो गया बेचा, बेचा तो हो गया, अब चावल चावल डील दे ना। ऊपर लटका दिए, वाह बिल्कुल भी नहीं है हवा, इस वजह से ऐसा बेचा हुआ है। कट गया जी मारा, दूसरा गुड्डा चढ़ा दिए। किसी दिन दोबारा भी आपको रोज़ रोज़ से उड़ा के दिखाएंगे, आज तो गुड्डे इतने उड़ नहीं रहे, हवा भी बिल्कुल भी नहीं लग रही गुड्डे को। चेक कर सकते हैं आगे भी जितने गुड्डे थे वो भी उतर उतर गए हैं, पेचा फिर भी करके दिखाएंगे आपको। इससे ज़्यादा गुड्डे तो आम दिनों में मेरे ख्याल उड़ रहे थे, हम फ्राइडे का वेट कर रहे थे। एक बार फिर ट्राई की जा रही है, वहाँ जो है ना उसकी समथी कोई नहीं है फिलहाल। पर की वहाँ है गुड्डा, जा गुड्डा जिधर चाहो उड़ा सकते हो आप, अगर जोर लगा के जिधर को लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, पर चढ़ नहीं रहा गुड्डा। जितने भी गुड्डे थे फिलहाल तो उतर गए हैं, हम फिर ट्राई कर रहे हैं कि शायद लग ही जाए वहाँ। पहले तो इतना भी नहीं था उड़ रहा जितना उड़ा है अभी। बड़ा जोर लग रहा है नीचे जाके बादाम खाने पर। हवा तो आज मोए मोए हो गई। ये चेक करें जी, ये देखें ये भी अगर उड़ गए तो मुझे बताना इतना भी कोई उड़ा ले तो मुझे पकड़ लेना आगे। हम आ जल्दी तो उड़ा के आपको पकड़ लें आगे हम तो आप लोगों के लिए आए थे आज छत पे के चले, इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं बना तो ये हुआ है जी आज। अब आप लोगों ने आई देखी है, फुल जोर लगा लगा के मैंने थोड़ा सा गुड्डा उड़ाया, बाकी किसी से जोर इतना लग नहीं रहा, उनसे ये भी नहीं उड़ाया जा रहा। हवा से चली तो है थोड़ी सी, पर कोई आसपास कोई बंदा कह रहा है मैं नहीं जोर लगाना,
अभी ये गुड्डा मैं लगाऊँ फाड़ने, अब दीवार में मार के चेक करेंगे कि मैं इतनी खींच के मार सकता हूँ कि गुड्डा चीट पाड़ हो जाए। तो मैं दीवार में जो मारूंगा ना, ये सामने इसमें मारना है? हाँ। इसमें ही मारना, इसमें मारते हैं ये? हाँ। नहीं ये सही है, इसमें कैसे बजेगा? इधर से साइड वाले। हेलो जी, गुड्डे का मौसम टूट गई है, वो लगी है दीवार पे फिर के डोर टूट गई है, गुड्डा भी फट गया है। तो बाकी आज हवा ने यार मज़ा नहीं कराया, कोई गुड्डा भी नहीं उड़ा, हवा चाली नहीं थी रही, किसी ने उड़ाना गया था। तो आपके साथ बातें हो गई फिर भी चलें, तो इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं आप लोग यार चैनल कर रहे, सब्सक्राइब किया करें यार। बहुत ऑडियंस 70% ऐसी होती है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, विदाउट सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करें यार। बाकी ये तो एक समझे गिफ्टी था ये व्लॉग हमें, तो इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट डे है हम लोग इंशाल्लाह उसके अंदर भी व्लॉग बनाएंगे, संडे को भी वीडियो आएगी, तो आपका जो मज़ा है वो पूरा करेंगे हम लोग। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।